मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, इसने वॉर में पार्ट लिया है। ये रियल का इंजन है जो फायर फाइटर में यूज होता है। तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वैसे अभी बज रहा है 12 बजने में, मतलब 10 मिनट बचे हैं अभी। अभी मॉर्निंग ही हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि यार सुबह सुबह बारिश हो गई थी। मैंने रेनकोट सब निकाला हुआ है देखो अपना। और मैंने सुबह सुबह प्लान किया था कि यार सुबह सुबह मॉर्निंग में हम ईचेस कवर करेंगे, बट यार सुबह सुबह यहाँ बारिश हो गई थी। 2 दिन से गर्मी होती है, मैं रूम में था 2 दिन से, क्योंकि ना मेरी तबीयत खराब हो गई थोड़ी बहुत आके। मतलब रास्ते से इतना गर्मी मिल गई थी ना मेरे को, मतलब 40-45 डिग्री टेम्परेचर था। मतलब रास्ते में तो कुछ नहीं हुआ मेरे को, भाई थैंक गॉड। जब मैं विशाखापट्टनम पहुंचा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो 2 दिन मैं बेड में, मतलब 2 दिन बेड में भी नहीं कहूँगा, 2 दिन मैंने रेस्ट किया था पूरा। और मस्त करके भाई थोड़े सीरीज मूवी वूवीज देख ली, थोड़ा एंजॉय कर लिया था मैंने। अब सोचा कि यार थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, और क्योंकि यार कोई और जगह भी जाना है, हमारी ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो भाई जब मैं विशाखापट्टनम आया था ना भाई, मैंने काफी चीजें पता करी थी यहाँ के बारे में। यहाँ ऐसी चीजें हैं जो कहीं और नहीं है, मैंने ये विशाखापट्टनम इसलिए चूज किया था। और आज हम 2-4 जगह जाने वाले हैं, सबमरीन देखने जाने वाले, सबमरीन के अंदर जाने, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं। शायद 2-3 पॉइंट हम जाएंगे, ज्यादा एक्साइटमेंट तो को सबमरीन की है भाई। और 2-3 पॉइंट हम जाने वाले हैं, व्यू काफी अच्छा मिलने वाला है यहाँ पे। मैं जब थोड़ा गया था शाम को टहलने के लिए, तो मेरे को काफी अच्छा पॉइंट मिले थे भाई, मैं सही बता रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले चेंज करते हैं, फिर आपसे मैं मिलता हूँ बाइक में। देखो रेडी होते हुए 12:30 बज चुका है, और मैंने शर्ट पहन लिया, बाहर धूप आ रही थी, और मैं रेनकोट भी लाया था बैग में। कुछ पता नहीं है, एकदम से बारिश वाला मौसम आ रहा है और एकदम से धूप आ जा रही है। ये अपना होटल ही है पूरा, मेरे को सही लगा काफी। इनको हिंदी आती है तब मैं यार यहाँ पे रुका हुआ इतने दिनों से, नहीं तो भाई दिक्कत काफ़ी हो रही थी। और ये है अपना VIP रोड विशाखापट्टनम की। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप विशाखापट्टनम आ रहे हो, विज़िट कर रहे हो, तो RK बीच साइड ही लेना रूम। अपनी बाइक 2 दिन से ही खड़ी है, और मेरे को एक चीज़ सही लगी थी यहाँ पे कि यहाँ पे पार्किंग की स्पेस काफ़ी थी, और हमारी गाड़ी सिक्योर थी। हमको जाना है RK बीच, डायरेक्शन डाल दिए। धूप बड़ी ख़तरनाक हो रही है, लेकिन निकल तो रहा हूँ इस टाइम पे। यार देखो सीन ऐसा था ना यार, 2-3 दिन से मैं रूम पे ही पड़ा था, मतलब तीसरा दिन आज है, तो मैंने सोचा कि यार कैसे, आज तो धूप में निकलना ही पड़ेगा। और सुबह सुबह मौसम बारिश का मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा यार बारिश के मौसम में निकल लो। फिर थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने सोचा कि यार तबीयत ख़राब में क्या ही निकलें, तो डबल हो जाएगा भाई इसके बाद। सबसे पहले अपना काम है पेट्रोल फिल करने का, तो यहाँ पे मेरे को स्पीड मिल गया है, तो स्पीड डलवा देते हैं। यहाँ पे पेट्रोल कैसे डलाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बार मैंने ऐसे पेट्रोल डलवाया है, पूरा उतरना पड़ता है गाड़ी से, फिर ये पेट्रोल डालते हैं भाई हमारी गाड़ी में। नहीं तो अगर बैठे रहोगे राजा होगी तरह तो नहीं डालते हैं भाई, नहीं तो भाई पेट्रोल डालते नहीं है। फिलहाल हाँ अपनी ब्यूटीफुल सी जगह में घूम रहे हैं विशाखापट्टनम। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लोगों को यहाँ गाड़ी चलानी नहीं आती है, 99% लोगों के पास लाइसेंस नहीं होगा, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इतने साल हो चुके हैं मेरे को गाड़ी चलाते हुए, लेकिन इससे ख़राब गाड़ी चलाते हुए मैंने देखा नहीं है, स्पेशली कार वाले। मैं जाऊँगा वाला सीन है यहाँ पे। ये देखो रोड भी क्रॉस नहीं करने दे रहा, हॉर्न मार रहा है। तो विशाखापट्टनम को ना सिटी ऑफ डेस्टिनी ऐसे ही नहीं बोला जाता है, तो ये लगता है भाई देख के कि ऐसे ही नहीं रखा है इसका नाम। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे को विशाखापट्टनम आके पता चली थी, तो मैं आपसे आगे आगे बात करेंगे जहाँ पे हम अपना स्टॉप लेंगे, मतलब RK बीच साइड। वी आर एट RK बीच। भाई आपको माल वाली शिप दिख रही है, वो देखो शिप दिख रहा है आपको भाई। यहाँ पे ना कंटेनर्स बहुत जाते हैं, तो मैंने जितना देखा है यहाँ पे शिप फैक्ट्रीज काफ़ी हैं यार, ये तो है मानना पड़ेगा भाई। यहाँ पे ना शिप ही बिल्ड भी होते हैं, पता है आपको? विशाखापट्टनम ऐसी फेमस नहीं है, यहाँ पे शिप बिल्ड होते हैं, सोच रहे हो, सबमरीन्स भी बिल्ड होती हैं। सबसे जो मेन अट्रैक्शन है ना वाइजैक का, तो वैसे वाइजैक भी बोलते हैं इसको, सबसे जो मेन अट्रैक्शन है भाई वो RK बीच ही है मेन। और भी बहुत मेन चीज़ें हैं, अभी रुको सब चीज़ें दिखाऊंगा, पहले बीच में चलते हैं और थोड़ा सा बैठते हैं। वो अच्छा, किसी का गिरा नहीं अभी। दिस इज RK बीच, यहाँ तैरना मना है भाई। मेरे को नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है भाई, मैंने जो
इमेजिन किया हुआ था ना कितने सालों से कि मैं बाइक राइड करूँगा और ऐसी सी जगह जाऊँगा, तो भाई मैं रियली में फील कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में। वो शिप दिख रहे होगा आपको, तो यहाँ पे ना क्रेन्स क्रूज भी काफ़ी चलती हैं, और वो जो आपने देखा होगा ना जो कंटेनर्स जाते हैं शिप में, बड़े बड़े कंटेनर्स मोस्टली जो जाते हैं 80% वो यहीं से जाते हैं सब जगह, 20% और जगह का। मैं वैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे पानी कितना ब्लूइश है ना, यहाँ पे है ना बस आर के बीच यहाँ पे काफ़ी फेमस है भाई, और बीचों से काफ़ी फेमस है आर के बीच। तो फर्स्ट अगर विशाखापट्टनम आए हो और आर के बीच नहीं आए तो भाई, और वैसे बारिश का मौसम होगा ना फिर तो बीच बंद हो जाते हैं, तो बीच में ना थोड़ा लहरें अरे जल्दी तेज आती हैं। ओ, 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 ओ भाई हमको नहीं दिखाना है, पाँव में मिट्टी मिट्टी घुस जाती है ना भाई, बाइक चलाने में बहुत दिक्कत आती है। गोवा में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। फिलहाल इसके बाद हम जाने वाले हैं यहीं पे म्यूज़ियम है, वो देखो आपको दिख रहा है कुछ वहाँ पे दिख रहा होगा म्यूज़ियम, सामने ही एयरफोर्स का है और उसके सामने ही सबमरीन का है, तो वहाँ भी जाना है। और फिलहाल यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं भाई, मतलब मेरे को लगता है ना कि बीच के यहाँ पे आके ना कुछ अलग ही वाइब्स आती हैं लहरों की आवाज़ सुन के, और ये चीज़ें हमने पहले ही नहीं देखी है ना, हमने पहाड़ वहाड़ ही देखे हैं तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ें। चलो चलो भाई लोगों, आगे से मुड़ के लाना पड़ेगा हमको, लेट्स गो। भाई इसने क्या चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है बाइक चला रहा है, दूरी दूर उड़ा दी। तो कभी आपने अपने इमेजिनेशन में भी कभी फील किया है कि कभी मैं सबमरीन के अंदर जा पाऊंगा? वो आई नो मेरे को पता है कि वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है पूरा, और ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सबमरीन के अंदर जा सकते हैं, और वो भी जिसने वॉर में पार्ट लिया हो उसमें तो बहुत मुश्किल से अब जाने को मिलेगा, और वही सबमरीन में हम जा रहे हैं अभी जिसने वॉर में भी पार्ट लिया है, इंडिया पाकिस्तान वॉर में, और जीता भी था। मैं पूरी डिटेल आपको वहाँ जाके बताऊँगा। फिलहाल भाई बोट्स देखो यार, इससे खूबसूरत जगह कहाँ मिलेगी बताओ? अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ ठीक है, अगर आपको इंडोनेशिया बाली वाली का फील लेना है ना, कम टू वाइजैक, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि भाई यहाँ क्यों आया मैं। यह है सबमरीन, इसका नाम है कासूरा। तो बाइक कहाँ पार्क करें यार, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बाइक अपनी पार्क कर दी है वहाँ पे। तो दिस इज़ एयरक्राफ्ट म्यूजियम, इसके अंदर हम जाने वाले हैं। लग रहा होगा आपका बाहर से छोटा लेकिन है काफ़ी बड़ा, मैंने वीडियोज़ में देखा है इसको, काफ़ी बड़ा है वैसे। और सामने ही देखो सबमरीन भी अपनी, और हम अभी एयरक्राफ्ट म्यूजियम में जा रहे हैं, लेट्स गो। कैसे तबार भी है यहाँ तो टिकट लिखा हुआ है यहाँ पे एडल्ट 70 और चाइल्ड 40, और टाइमिंग भी लिखी हुई है, आप टाइमिंग्स देख लो और इसी टाइम आ जाना अगर आपको सूटेबल लगे तो। फिलहाल टिकट लेते हैं अपना। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये 2 बजे खुलता है, तो टाइमिंग इसकी 2 बजे की है, तो अभी हम थोड़ा रुक लेते हैं क्योंकि अभी 15-20 मिनट ही बचे हुए हैं 2 बजने में। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये दोनों सेम ही जगह है तो दोनों का टिकट आप एक साथ ही ले सकते हो, तो पहले यहाँ चले जाना फिर यहाँ जाना। टिकट तो ले लिया हमें, 70 रुपीज़ का मिला मेरे को टिकट, दिस इज एंट्रेंस। वो ये जो आप देख रहे हैं फेमस प्लेसेस हैं यहाँ पे, जो मैं कौन कौन सी जगह जा रहा है मेरे को इसमें सब लिखा हुआ है। सबमरीन भी है, देखो सबमरीन भी है, आरके रोड, अर्कू वैली, लाइट हाउस और कैलाश गिरी, ये भी जाना है मेरे को, सोच रहे हैं आज जाने का। बुरा केव्स, ये बुरा केव्स जो है ये अर्कू वैली की तरफ को ही है, और काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर लगी हुई हैं।
वाइजेक, ये फाइटर प्लेन्स अपने TU-142 का म्यूजियम है। तो इनका नाम है एंड्री टिफलफ, तो ये रशियन थे। TU-142 इन्होंने बिल्ड किया था पूरा प्लेन, और इन्होंने इतने ही नहीं, इन्होंने काफ़ी सारे प्लेन्स बिल्ड करे थे जो ये देख रहे हो आप सामने। और जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये है ब्लैक बॉक्स। अगर बाय चांस प्लेन में कुछ दिक्कत आती है, टेक्निकल इशू कुछ होता है और प्लेन क्रैश करता है, तो उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन प्लेन की रहती है कि किस फेलियर से ये प्लेन गिरा था, सारा जो डाटा रहता है जो इसमें स्टोर होता है, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यह पूरा फ्लाइट का कॉकपिट, मतलब इंटीरियर बोल सकते हैं। तो भाई इस टाइप का था पहले ये इंटीरियर, और अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। तो पहले के टाइम पे भाई ऐसा होते थे, पेडल्स देखो भाई नीचे, तो भाई दिस इज़ इनसेन। अब आगे चलते हैं सीधे, और तो जो आप देख रहे हैं हमारे ऑफिसर्स जिनकी एड्रेस बताई गई कि ये पायलट है, तो इसे आइडेंटिफाई होते हैं कि ये कौन है और क्या करते हैं ऑफिसर्स। और जो आप अपने सामने देख रहे हैं ना, ये रियल के टॉर्पीडोज और रॉकेट्स हैं जो TU-142 में लगते थे भाई। और ये टर्बो जनरेटर है, और ये ऑक्सीजन टैंक है पूरा, और ये एयर बॉटल है, और ये देखो सबमरीन को मारने के लिए, जिसमें जो मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, ये तो इसमें दिखा रखा है प्लेन से इसको छोड़ा गया है, और सबमरीन के सिग्नल मिलते हैं इसमें, फायर करता है सबमरीन में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे को पढ़ना भी नहीं आ रहा भाई, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ, मेरे को भाई पढ़ना भी नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है। और मैं भाई एकदम से नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है मेरे को, मतलब ऐसी चीज़ भी हो सकती है। और ये है ब्लेड प्लेन की, मेरे को देख के ना ऐसा हो रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है लाइफ में, तो हमने आज से पहले कुछ देखा नहीं है तो भाई। और ये एक्चुअल का ब्लेड है, कितना बड़ा ब्लेड है भाई, ये देखो ब्लेड, एक ब्लेड है खाली एक। और जो मेन इंजन है NK-12 भाई, एक गाड़ी के बराबर पूरा इंजन है, एक कार होती है ना फुल SUV उससे भी बड़ा इंजन भाई, नेक्स्ट लेवल। और मैं इसको छू पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, दिस इज नेक्स्ट लेवल यार। ये रियल का इंजन है जो फायर फाइटर में यूज़ होता है, और आपको मैं इसको एग्जॉस्ट दिखाता हूँ। तो ये पूरा इंजन है भाई इसका, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ भाई अभी। भाई दिस इज इनसेन यार, इनसेन। और दिस इज पैरासूट, ये बोट। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी इंटरनेट में कि जो ये टायर्स हैं ना, ये रियल फ्लाइट के टायर्स हैं जो यूज़ होते हैं, जो हमारे नॉर्मल टायर्स हैं उनसे 1000 गुना प्लस मान लो उनसे ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, क्योंकि फ्लाइट से जब ये लैंड होता है तो उसमें इतनी प्रेशर जनरेट होता है और हीट जनरेट होती है ना, कि मतलब जो टायर होगा ना नॉर्मल टायर, वो हीट झेल ही नहीं पाएगा, अगर हीट जनरेट होगा ज़्यादा तो ब्लास्ट हो जाएगा। और तब ये देखो कितना मोटा टायर है भाई, इसकी थिकनेस देखो, थिकनेस थिकनेस देखो भाई, मैं इसको मार भी नहीं पा रहा हूँ इतना हैवी है। और ये पूरी बोट है, पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ देखो, मतलब इतनी सारी चीज़ें ना मैं आपको दिखाऊंगा तो भाई वीडियो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये पानी पीने का इमरजेंसी वाटर, और मेजरिंग जार, बहुत सारी ये बुलेट्स, कहीं कितनी बड़ी बुलेट्स हैं यार। तो आगे चलते हैं अब, होलोग्राफी ऐसी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही ना। एंड दिस इज सबमरीन, सबमरीन कितने नीचे है देखो, और ऐसे प्लेन से फायर किया जाता है सबमरीन में, देख लो सबमरीन ब्लास्ट हुई है। मेडल्स देखो भाई, और इतना ही नहीं, जो मैंने आपको दिखाया म्यूज़ियम में जो जो चीज़ें रखी हुई थी वो रियल थी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दिस इज़ रियल एयरक्राफ्ट में यूज़ हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे सबमरीन्स और काफ़ी सारे शिप्स को इसने डिस्ट्रॉय किया था। तो ये रियल एयरक्राफ्ट है जो
वॉर में यूज हुआ है रियल में, और मैं इसके अंदर जाके दिखाऊंगा आपको कि कैसा है। कितना बड़ा प्लेन है भाई ये। वैसे फ्लाइट में तो मैं आज तक बैठा नहीं हूँ, बट फाइटर प्लेन में बैठ जाता हूँ। नो फोटोग्राफी। दिस इज मिसाइल्स, इसमें मिसाइल रहती हैं आई थिंक। बिलीव नहीं हो रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इस प्लेन में हूँ, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है इसने वॉर में पार्ट लिया है। और ये है पूरी का पूरा प्लेन, और दिस इज मिसाइल्स। वो वायर्स देखो भाई, मेरा तो सिर में दर्द हो गया, सही बता रहा हूँ। और ये है भाई, कितना डिफिकल्ट चीज़ है यार ये, हमने आज तक देखी नहीं ना ये चीज़। वायर्स देखो भाई, वायर्स एंड शायद ये है, ये क्या कौन बैठा है? अरे मैं डर गया था सही में बताऊं। ये फ्लाइट मैनेज करने वाले हैं, जहाँ से ऑपरेट होता है वो चीज़ें। ये वॉशरूम, ये पूरी फ्लाइट है जहाँ से सब चीज़ ऑपरेट होता है। करीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लोग इसको चलाते हैं, तब जाके इतना पूरा एयरक्राफ्ट चलता है। लुक एट दिस भाई, मैं जब एकदम से आया ना, मैं इनको देख के डर गया। मैंने कहा कौन बैठा है यहाँ पे पहले से ही। लुक एट दिस, मैं डर गया था सही बता रहा हूँ। और निकलते हैं सीधे बाहर को, अब मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा आपको नीचे चल के। पहले पूरा प्लेन देख लेते हैं। ये है पूरा प्लेन। अगर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो भाई, इसने 3 वॉर्स में पार्ट लिया था। इसने 1988 ऑपरेशन विजय, 2002 ऑपरेशन पराक्रम, 2011 एंटी प्राइवेसी। और ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम इसको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं। तो वीडियो बस इतनी ही नहीं थी, उसके बाद ही हम काफ़ी जगह गए थे और हमने सबमरीन अमरीन भी जाके आए थे भाई। तो ये वीडियो में ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा कि आपको ये बताना जरूरी है। और वीडियो हमारी थोड़ी लेंदी बन चुकी थी, हमने सोचा कि यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर आप बने हो अभी तक तो पसंद आई प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मिलते हैं जल्दी आपको एक नई फ्रेश वीडियो में। टिल देन राइट से, थैंक यू, बाय बाय।